गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ये आपकी इंग्लिश की बुक का नाम है उसका यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बार और आपको रिवाइज करा दें कि आप पहले बिहाई बुक से पढ़ चुके हैं, मूवमेंट से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो बुक आती है वो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये कहलाती है आपकी वर्कबुक। यूनिट 4, लेट्स बिगिन। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई हूज देयर आर, राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। रिक्वेस्ट अगेंस्ट ईच पिक्चर मे आल्सो हेल्प यू रिकॉग्नाइज देम। सी पिक्चर्स ऑन वर्कबुक पेज नंबर 54। आप अपने किताब की वर्कबुक की पेज नंबर 54 निकालिए और उस पिक्चर को देखिए। How do the words reflect the beautiful mind of the personalities mentioned? जो personality बहुत अच्छी beautiful mind की है, उनके नाम चाहिए हैं। Discuss in pairs of four, चार के नाम। Jot down your points and then pack pens in the books. First नाम आता है इनमें रविन्द्रनाथ टैगोर का, second अल्बर्ट आइंस्टीन, third हेलेन केलर, फोर है सुभाष चंद्र बोस। दिस क्वेश्चन रिफ्लेक्ट द ऑथर्स माइंड, हर्ट एंड पर्सनैलिटीज। दे वेयर नॉट ऑर्डिनरी माइंड, क्योंकि ये बहुत अद्भुत हैं, यूनिक, बट हैड अ विजन ऑफ लाइफ एंड दे लव मच ऑल देयर पर्ट्स एंड विजन इन टू मेक ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटिफुल पीसफुल जर्नी। क्वेश्चन 6, सर्किल द ऑड वन। ऑड वन का अर्थ होता है कि जो अलग है, इसमें से अलग चेंज करना है। तीन जो वर्ड हैं उनके मीनिंग एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग से है। तो इसमें फर्स्ट आता है प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, बीइंग, अलाइव एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और अलाइव बीइंग हो रहा जीवित, ये सारी चीजें हैं। तो द ऑड वर्ड है डिस्टेंस, इसका सही उत्तर है। सेकंड है पॉसिबल, फैसिबल, प्रोबेबल, अनथिंकेबल एंड ऑब्टेनेबल। अनथिंकेबल इसका ऑड जो है सही उत्तर है। वॉयलेंस, एजॉल्ड, रफलेस, पैसिविटी और फेसलेस। पैसिविटी इज अ ऑड वर्ड। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, पंचेशन, वायरली एंड अकॉर्ड। अकॉर्ड इज अड वन। कंसोलेशन, कंपैशन, एनियंस, सिंपथी एंड सपोर्ट। एनियंस इज अड वन। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट बिलो। सी वर्कबुक पेज नंबर 56 एंड 57। आप अपने वर्कबुक पेज नंबर 56 और 57 को निकालिए और उसको रीड करिए। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, एडमायर, एम के गांधी, हाउस। टिक द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है गांधी जी शोड दैट द पॉसिबल इज सक्सीड विदाउट वायलेंस गिविंग इन रेस्पेक्टिव ऑन वेदर दे हैव कंटिन्यू ऑन डिस्क्लेयर द मेथड ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड गांधी विश टू मीट आइंस्टीन। टिक द राइट आंसर। द राइट आंसर इज हिज आश्रम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज आइंस्टीन वांट गांधी एग्जांपल्स टू गो बियॉन्ड इंडिया। आंसर, आइंस्टीन वाज गांधी जी एग्जांपल टू गो बियॉन्ड हिज इंडिया बिकॉज ही वांट वर्ल्ड पीस एंड टू वर्क टू स्टॉप ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव रीड द चैप्टर एंड द एक्सचेंज ऑफ लेटर बिटवीन आइंस्टीन एंड एम के गांधी। व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन द आइडियाज ऑफ बोथ पर्सनैलिटीज। ये जो दो आपके जो नाम है महान व्यक्तियों के, उनमें क्या जो है तुलना करके बताना है कि उनमें क्या जो है सेम प्रॉपर्टीज है। देयर आर सिमिलैरिटीज इन द आइडियाज ऑफ बोथ पर्सनैलिटीज एज बोथ ऑफ देम वांट वर्ल्ड पीस।
end, amen to war and violence. Question number 5. Find the opposites of the words given below from Einstein's letter. Opposite यानी आपको विरोधी शब्द लिखना है. विरोधी मतलब शब्द के अगेंस्ट. तो फर्स्ट आएगा इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल यानी संभावना नहीं है, असंभव. पॉसिबल मतलब संभव होना. तो इम्पॉसिबल क्या आएगा. देन सेकंड फेल. फेल का मतलब फेल होना. सक्सीड यानी क्या है, सफल होना. इसका उत्तर होगा, ये उसका उत्तर सही है, PEACSE, पीस. पीस और इसका उत्तर होगा वॉर. वॉर मतलब होता है युद्ध. पीस यानी क्या होता है, शांति. ठीक, शांति का ऑपोजिट क्या होगा, युद्ध होगा. नेक्स्ट एब्सेंस. एब्सेंस यानी अनुपस्थित. ठीक, तो प्रेजेंस यानी उपस्थित होगा. इसका मतलब विरोधी तो यही होगा. नेक्स्ट एनिमी. एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन. दुश्मन का विरोधी क्या होगा, फ्रेंड यानी मित्र. ये विरोधी हो गए. नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधीजी रिस्पॉन्स टू आइंस्टीन लेटर फाइंड्स फेवर इन योर साइन मींस. सो सही उत्तर आएगा एप्रिशिएटेड यू. सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो है यूनिट 4 उसके बारे में आपने आज अध्ययन किया, कुछ ग्रामर भी पढ़ा. आपको इनको अच्छे से रीड करना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, अच्छे से नोटबुक में लिखना है और परीक्षा की तैयारी करनी है. थैंक यू सो मच.